हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड आपका हेमिस्फेयर। इस बार जो है ना वो रिंग नहीं है, वो डिस्क नहीं है, वो एक हेमिस्फेयर है और ये सॉलिड है, समझ रहे हो ना। तो ये सॉलिड हेमिस्फेयर है तो इसका हम लोग सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे। देखो कंप्लीट होता तो फिर अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं, सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही होता, लेकिन ये आधा है तो हम, मुझे जानना है कि इस हेमिस्फेरिकल सॉलिड, मतलब सॉलिड है ये, अंदर से खोखला नहीं है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। ओके, वी हैव टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म हेमिस्फेरिकल्स या हेमिस्फेयर, सॉलिड हेमिस्फेयर आप लिख सकते हो, ठीक है, सॉलिड हेमिस्फेयर। ओके, तो फिर क्या करेंगे, हमेशा की तरह हम इस, ये जो वॉल्यूम कंटीनम है इसको हम समझेंगे कि ये बहुत सारे एरियल कंटीनम का समीशन है। जैसे कि इस हेमिस्फेयर को क्या समझ सकते हो, अगर मैं ऐसे खच 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 तलवार से काटना शुरू करूं, तो फिर आपको बहुत सारे डिस्क मिलेंगे। ओके, अब उसमें से मैंने ना एक डिस्क पकड़ लिया, ये सारे डिस्क ना को एक्सियल होंगे, सबका सेंटर तो अलग अलग होगा पर सबका सेंटर इसी वाई एक्सिस पे ही लाई करने वाला है, ठीक है। तो बहुत सारे आपके डिस्क मिलने वाले हैं यहाँ पे, आप सोचो, जस्ट इमेजिन करो कि आपने ऐसे 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 काट दिया, ठीक है, आलू था और उसको चाकू से कट 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 कर दिया तो चिप्स मिलना शुरू हो गए अलग अलग साइज। सारे जो चिप्स हैं वो सर्कुलर हैं और सबका सेंटर इसी वाई एक्सिस पे आपका लाई कर रहा है। मैंने क्या कर रहा हूँ कि इसमें से एक आर्बिटरी सा डिस्क पकड़ ले रहा हूँ और वो डिस्क मुझे मिल रहा है कहाँ पे, तो सेंटर से, यानी यहाँ से वाई डिस्टेंस पर है और उसका कुछ रेडियस है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि उसका जो रेडियस है वो एक्स है। ओके, और अगर आप इसको यहाँ से मिलाओगे तो ये तो इस हेमिस्फेयर का रेडियस होगा आर, है ना, और मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ रिलेशंस भी निकल के आ सकते हैं और हमारे पास एक रिलेशन होगा यहाँ पे, क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे आपका एक राइट ट्रायंगल बन रहा है और आर इस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये रिलेशन हमारे पास है, जब जरूरत होगी वैसा इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, जब आप इसको कट करोगे, ठीक है, जैसे जैसे कट करोगे तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी बहुत तो थिकनेस होगी, है ना, तो वो थिकनेस क्या हो सकता है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वो थिकनेस आपका dy है, मतलब y में जो छोटा सा अंतर आ रहा है वो ही अंतर यहाँ पे इस डिस्क के थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। 100% आपका जो डिस्क है यहाँ पे वो एक वॉल्यूम की तरह ही है, वो भी उसके पास भी एक वॉल्यूम है ना, बिकॉज आप इसको कट करके हटाओगे तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम तो कमेगा, जो बता रहा है कि इसके पास एक वॉल्यूम है। तो मैं इस डिस्क के वॉल्यूम का, जो कि मेरा एलिमेंट्री पार्टिकल है, उसके वॉल्यूम को मैं dv लिख रहा हूँ, मास को मैं dm लिख रहा हूँ, और dv dm में रिलेशन क्या होने वाला है, तो dv और dm में रिलेशन क्या होगा, तो dm बराबर आपका रॉ इंटू dv। ओके, रॉ की वैल्यू मैं यहाँ रख सकता हूँ पर मुझे लग रहा है कि ये सिग्मा लैम्डा रॉ इन सब की वैल्यूज यहाँ रखने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपने पिछले लेक्चर्स में देखा मैं रख भी दे रहा था फिर वो बाहर निकल के कट जा रहे थे, तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप इसको रहने दो, है ना, रॉ की वैल्यू से, रॉ की वैल्यू निकालना चाहो तो क्या आ सकता है, सोचो। यहाँ पर अगर रॉ की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर अगर इसका मास एम है और इसका वॉल्यूम देख लीजिए, रेडियस आर है, आधा स्फीयर है, कंप्लीट होता तो 4/3
पाई आर क्यूब होता आधा है, इसलिए 2/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब। तो मास बाई वॉल्यूम गिव्स रॉ, पर इसकी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पुट नहीं करने जा रहा। ओके, आगे जाके फिर ये कटने ही वाला है तो जस्ट ऐसे ही छोड़ देते हैं हम, डीवी निकाल लेते हैं। ओके, तो ये जो डिस्क आप काट रहे हो, अलग अलग कटेंगे, बहुत सारे कटेंगे ना, सबके रेडियस अलग अलग होंगे, तो उसमें से ये जो डिस्क की अगर हम बात करें तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, दिखने में कैसा होगा, ये सिलेंडर के जैसा। तो इसका रेडियस एक्स है और इसका जो हाइट है, जो थिकनेस है, वो हाइट का काम करेगा, तो हाइट डी वाई है। सो इसका वॉल्यूम जो होना चाहिए है ना, याद कीजिए सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर एच का काम यहाँ डी वाई कर रहे हैं डी वाई। ओके, तो डीएम तो निकल गया भैया, डीएम बराबर क्या आ गया हमारे पास, तो डीएम बराबर आ गया रॉ इंटू डीवी, और डीवी की वैल्यू आ गई है कितनी, पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। अब मैं फिर वही काम करने वाला हूँ है ना, हर एक जो डिस्क होंगे हमारे सबको मैं पार्टिकल से रिप्लेस करने वाला हूँ, वो पार्टिकल होगा उनका सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वहाँ पे वो पार्टिकल होगा, ठीक है, और मास उसके बराबर ही होगा है ना। तो हर डिस्क जो है वो अब डिस्क नहीं रहा, अब वो बन गया पार्टिकल, और वो कहाँ सिचुएटेड है, अपने सेंटर ऑफ मास पे। तो इन सबका सेंटर ऑफ मास तो उनके सेंटर पर ही आएगा, बिकॉज इज द कम्प्लीट डिस्क। ओके, सो उनके सेंटर पर आएगा मतलब वाई एक्सिस पे ही आना है। तो अगर आप हर डिस्क को, जितने भी डिस्क यहाँ बनने वाले हैं, तुम समझ रहे हो ना, यहाँ बहुत सारे डिस्क बनेंगे, तो जितने भी डिस्क यहाँ बनेंगे उन सारे डिस्क को मैं क्या कर रहा हूँ, पार्टिकल से रिप्लेस कर रहा हूँ, और वो पार्टिकल कहाँ होंगे, अपने सेंटर ऑफ मास पे, और वो सब यहाँ आ जाएंगे। ओके, तो अब मत समझो यहाँ पे कि ये डिस्क है, आप समझो कि ये सब पार्टिकल है, और ये सब जैसे ये इसको डिस्क नहीं समझो, पार्टिकल समझो, वो कहाँ है, वो यहाँ है। तो वैसे दूसरा डिस्क भी डिस्क नहीं है, पार्टिकल है, वो कहाँ है, तो यहाँ है, ठीक है। तो सारे डिस्क पार्टिकल बन गए और सब सज गए वाई एक्सिस पे, सारे मास आपके वाई एक्सिस पे आ गए, 100% सेंटर ऑफ मास आपका वाई एक्सिस पे ही लाई करेगा, ठीक है। वैसे भी इस फिगर को देख के तो हम पहले ही डिसाइड कर सकते हैं कि भाई लाइन ऑफ सिमेट्री तो यही है, तो सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे ही लाई करना चाहिए, और एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो सेंटर ऑफ मास का 0 होगा। तो हम लोग यहाँ सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे नहीं, क्योंकि कैलकुलेट करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, नहीं, हम वहाँ लिख देंगे एक लाइन छोटी सी कि बाय सिमेट्रिसिटी सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन वाई एक्सिस। ओके, चलिए, तो अब मुझे एलिमेंट्री पार्टिकल का मास पता है, मुझे एलिमेंट्री पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट पता है, तो अब मैं इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। तो चलिए निकालते हैं सेंटर ऑफ मास का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, फॉर्मूला यूज होगा इंटीग्रेशन वाई डी एम बटा इंटीग्रेशन डी एम। ओके, तो इंटीग्रेशन वाई की वैल्यू तो वाई ही है, और डी एम की वैल्यू आई है पाई एक्स स्क्वायर आपका डी वाई, रॉ गुना है उसमें, रॉ पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी एम, बट्टा इंटीग्रेशन रॉ पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। ओके, और यहाँ जो लिमिट होगी, लिमिट क्या होगी जरा वो भी देख लीजिए। तो यहाँ जो लिमिट निकल के आने वाला है, यहाँ जो लिमिट निकल के आने वाला है वो देख लीजिए आप। जैसे आप सबसे लास्ट वाला, यहाँ स्टार्टिंग वाला मान लो ये वाला डिस्क आप पकड़ते हो, ठीक है, तो x की वैल्यू r होगी, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे x की वैल्यू घटती जाएगी, और फाइनली वो 0 हो जाएगी। अगर y के टर्म में बात करें, सबसे नीचे वाला डिस्क को पकड़ोगे तो y की वैल्यू 0 होगी, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे y की वैल्यू r होगी। मतलब अगर y के टर्म में अगर बात करें तो y की लिमिट 0 टू r, समझ रहे हो ना, सबसे नीचे वाला डिस्क पकड़ोगे तो उसके लिए y तो 0 है। y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके एलिमेंट्री डिस्क का इस पॉइंट O से दूरी है ना, उसके सेंटर का y इस पॉइंट O से दूरी। तो अगर सबसे नीचे वाला पकड़ोगे तो यही है, तो उसके लिए y 0, और सबसे ऊपर वाला पकड़ोगे तो वो तो r डिस्टेंस पे है ना, तो उसके लिए y r हो जाएगा। तो मेरा y जो होगा वो 0 से r वेरी करने वाला है। ओके,
तो हम यहाँ पर जो लिमिट लेने वाले हैं इंटीग्रेशन का वो क्या होगा, y इक्वल टू जीरो टू y इक्वल टू आर, जीरो टू आर, जीरो टू आर। ओके, अब जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लीजिए, सिग्मा पाई कांस्टेंट्स हैं, ये निकल जाएंगे बाहर और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो सिग्मा पाई की कहानी खत्म। अब सीधा सीधा मेरे पास बच गया इंटीग्रेशन 0 से r y x स्क्वायर dy, और फिर नीचे बच गया 0 से r, ठीक है, x स्क्वायर dy। अब x भी है y भी है, तो हम क्या करेंगे, x को y के टर्म में लिख देंगे। तो हमारे पास एक रिलेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं x स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो वो आएगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो फटाफट मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जो आपका इंटीग्रेशन है इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखने के बाद, एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखने के बाद जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ रहा है वो आ जाएगा आपका जीरो से आर, y की जगह y रहेगा और x स्क्वायर की जगह पर आपका r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आ जाएगा, 0 से r, दिस इज r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dy। आप इससे मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो 0 से r, r स्क्वायर y माइनस y क्यूब डी वाई बट्टा इंटीग्रेशन 0 से r, r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डी वाई। अब यहाँ पे मैं अलग अलग इंटीग्रेट करूँगा, तो r स्क्वायर तो खैर कांस्टेंट है, y का इंटीग्रल हो जाएगा y स्क्वायर बाई टू, और फिर माइनस y क्यू का हो जाएगा आपका y का पावर 4 बाई फोर, और फिर यहाँ पे लिमिट आ जाएगी, ठीक है, जीरो टू आर, और फिर मैं इसको डिवाइड करूँगा, ठीक है, इसके इस इंटीग्रल से। आर स्क्वायर यहाँ कांस्टेंट है तो आर स्क्वायर डी वाई है तो सीधा आर स्क्वायर वाई हो जाएगा, है ना, तो आर स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर का होगा वाई क्यू बाई थ्री, और यहाँ भी आपकी लिमिट है जीरो से आर। अब एक बार क्या करना है कि अपर लिमिट पुट करना है फिर घटाओ लोअर लिमिट। तो जब अपर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर आर टू द पावर 4 बाई टू माइनस आर टू द पावर 4 बाई फोर, और फिर माइनस करोगे y की जगह जीरो रखोगे तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, ख़त्म, ठीक है। फिर नीचे वाले में y की जगह r रखोगे तो ये हो जाएगा आर क्यू माइनस आर क्यू बाई थ्री, और फिर जीरो रखोगे घटाओ करके जीरो, तो फिर y के जुड़ने पर खत्म हो जाएगा, ठीक है, नहीं आने वाला कुछ। तो फाइनली आया क्या वो देख लेते हैं हम। तो हमारे पास जो y cm है मतलब सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट वो आ गया, कुछ कॉमन पहले तो नहीं था, है ना, चलिए, तो वो आ गया आपका r टू द पावर 4 बाई टू माइनस r टू द पावर 4 बाई फोर डिवाइडेड बाई आपका आर क्यू माइनस आर क्यू बाई थ्री, है ना, यही है, देख लीजिए एक बार, यस। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर में आपका आ जाएगा आर का पावर फोर बाई फोर, और नीचे आ जाएगा थ्री आर क्यू माइनस आर क्यू यानी टू आर क्यू बाई थ्री। फाइनली इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आर टू द पावर फोर बाई फोर इंटू थ्री आर क्यू बाई थ्री बाई टू आर क्यू। तो आई थिंक ये आर क्यू से ये फोर खत्म, तो सीधा सीधा आ जाएगा थ्री आर बाई फोर टू जा एट। ओके, थ्री बाई एट आर, ऐसा भी याद रख सकते हो आप। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक हेमी स्फीयर है, सॉलिड हेमी स्फीयर है, ठीक है, और उसका रेडियस आपका आर है,
और उसका सेंटर ऑफ मास अगर हमें चाहिए तो सेंटर ऑफ मास मिलेगा लाइन ऑफ सिमेट्री पे, ओके। और कहाँ मिलेगा, तो सेंटर से 3/8 r की दूरी पर मिलने वाला है ना। इस चीज़ को याद रखना है। एनी प्रॉब्लम? जस्ट नोट।